नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। पिछले काफी समय से अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का इंतजार किया जा रहा है। इंतजार और लंबा हो गया है क्योंकि ये जो आपदा रखी है इसके चलते सारी चीजें रुकी हुई है। खबरों की माने तो भुज की शूटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, जो पैचअप शूटिंग होगी मेरे ख्याल से बस वही बची हुई होगी। और इस फिल्म के जो एक्चुअल हीरो थे विजय कार्निक, वो भी सेट पर आए और उन्होंने अजय देवगन से मुलाकात की। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही सेट पर दो विजय कार्निक, एक असली और एक व्यक्ति जो उसका किरदार निभा रहा है। बड़ी इमोशनल रही मुलाकात और गजब का रहा होगा पूरा माहौल जब ये दोनों व्यक्ति मिले होंगे। अपने खुद के किरदार में अजय देवगन को देख करके विजय कार्निक भी काफ़ी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि अजय इस किरदार के साथ बहुत न्याय कर सकते हैं। इस मोमेंट की कुछ तस्वीरें आई हैं जो खुद उनकी बेटी ने शेयर किया है, जिसमें विजय कार्निक अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। और अजय देवगन के अलावा वहाँ अभिषेक दूधिया और प्रणीता सुभाष भी नजर आई हैं। प्रणीता सुभाष इस फिल्म की हीरोइन है। अब जाहिर है कि इस फिल्म को देखने में बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को, लेकिन देशभक्ति की जब फिल्म बनती है और जो सच्चे देशभक्त होते हैं वो सेट पर आ करके जब उसको अनुग्रहित करते हैं कलाकारों को, तो मेरे ख्याल से एक अलग ही मज़ा आता है। ये अभी तो माना जा रहा है कि 14 अगस्त को रिलीज़ होगी, अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम की कहानी है। और एक और पराक्रम आप कर सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, वो है हमारा सब्सक्राइब बटन हिट करने का। जल्दी से हिट करें जिससे कि हमें भी कुछ आनंद मिले। मिलता हूँ बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। हम वीडियोस लगातार ला रहे हैं, आप घर बैठे बोर पता ही नहीं हो सकते हैं। शेयर करें अपनी फैमिली के साथ हमारे वीडियोज़ को और इन्जॉय करें, मज़ा आएगा।